Hello guys, welcome to A few moments later. Hey guys, welcome to Radhika's vlog. तो आपका मेरे vlog पे मेरे दिल से बहुत ज्यादा स्वागत है. तो आप तो मुझे पहचान ही गए होंगे, कौन हूँ मैं हूँ राधिका. यार जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही थी, ठीक है. तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि लास्ट व्लॉग में मैं कहाँ गई थी. हाँ बिल्कुल सही सोचा एसएन, आपने मेरा व्लॉग देखा इसलिए आपको पता है मैं लास्ट व्लॉग में एसएन गई थी. तो गाइज ये होने वाली है एसएन हॉल वीडियो, ठीक है. तो इसमें मैं दिखाऊंगी मैं एसएन से क्या क्या लेके आई. तो जल्दी से करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट. सो गाइज सबसे पहले ये एक स्वेटर टाइप टॉप है, ठीक है, आप स्वेटर लगा सकते हो, विंटर टॉप है. तो ये मैं एसएन से लेके आई थी. ये है मल्टी कलर टॉप, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है और ये मुझे मिला है, गेस करना चाहोगे कितने का? ओनली फॉर 300. अच्छा है यार, प्राइस के हिसाब से अच्छा है. तो चलो मैं फटाफट से इसे पहन के दिखाती हूँ. सो गाइज ये मेरा सेकेंड टॉप जो मैं एसएन से लेके आई. ये भी विंटर टॉप है, कैजुअल है, मैं ऑफिस में इसे कैरी करके जा सकती हूँ. इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. तो भैया इसे बोल रहे थे 450 का, फिर मैंने चला के दिखाई और मैंने इसे लगवा लिया 200 का और भैया ने मुझे दे दिया. तो अब मैं इसे पहन के दिखाती हूँ. गाइस मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आई हूँ, तो मैं अपनी दिखाती हूँ अपनी थर्ड चीज़ मैं क्या लेके आई. सो गाइस ये है एक जैकेट, ठीक है, ये काफ़ी ट्रेंड में थी, मैंने काफ़ी लोगों को इसे पहने हुए देखा था, तो मुझे दिखी तो मैंने फटाफट से इसे ले लिया. तो गाइस भैया इसको बता रहे थे 500 का, पर मैंने इसे 450 लगवा के ले लिया. ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका भी फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है. तो चलो फटाफट से इसे कैरी करके आते हैं. गाइस मैं दिखाती हूँ अपना फोर्थ टॉप जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. ये टॉप मैं इसलिए लेके आई ना क्योंकि विंटर जा रहे हैं और समर आ रहा है, तो मैं इस टॉप को कैरी करूँगी और बाकी मैं ऐसे टॉप और लूँगी अगर मुझे कहीं मिलेगा. बाकी मैंने एक ही लिया क्योंकि और सारे सेम थे, बस कलर अलग थे. तो फटाफट से मैं दिखाती हूँ टॉप. सो गाइज ये वो टॉप, काफ़ी क्यूट सा है. इसमें ना यहाँ पर ये वेस्ट एरिया के यहाँ पर कट है जो मुझे काफ़ी क्यूट सा और कुछ अलग सा लगा. और ये फुल स्लीव्स है और ये भी इसका भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, ठीक है. तो फटाफट से इसे कैरी करके आते हैं और आपको दिखाते हैं. सो गाइज अब बारी है मेरे लास्ट टेस्ट की, तो चलो मैं उसे दिखाती हूँ. सो गाइज ये है एक जंप सूट जो मुझे देखते ही पसंद आ गया था. ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये मैं समर्स के लिए लाई हूँ, ठीक है. तो आप गैस करोगे कितने का हो गया ये रेट? गलत गैस करा, इसको भैया ने बोलता 650 का, पर मैं तो हूँ चालाक, तो मैंने बार्गिन करके इसे 550 का लगवा लिया. काफ़ी अच्छा है, चलो फटाफट से कैरी करो. गाइस अब बारी आती है फुटवेयर की, तो मैं वन पेयर ऑफ फुटवेयर ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे और कुछ पसंद नहीं आया. वो भी मैं इसलिए लिया क्योंकि मुझे वो चीज़ लेनी थी, तो मैं मार्केट गई थी, मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया. सो गाइस ये रही मेरी ब्लैक हील्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. ये मैं लेके आई हूँ वेलवेट में क्योंकि ये मैट फिनिश देता है, मतलब मैट लुक देता है, मेरे को मैट लुक ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है. और ये मेरे को भैया ने बोला था 600 का, पर मैंने उनसे बार्गेनिंग करके 500 का लगा लिया था. उन्होंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की क्योंकि मैंने ये लिया था शोरूम से. तो अगर मेरे को उसका शॉप नंबर याद होगा तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, ठीक है. तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट चीज़. तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ अपने रूम के लिए मैं कुछ लेके आई थी. मुझे ये देखते ही पसंद आ गया था, मुझे ये लेना भी था. मैंने काफ़ी नेट पर इसके बारे में सर्च भी करा था, काफ़ी देखे थे, पर मुझे यार थोड़ा ये नहीं होता कि नेट पे क्या क्वालिटी होगी, आप सामने से लेते हो तो वो अलग चीज़ निकलती है, ठीक है. तो इसलिए मेरे को ये दिखा तो मैंने परचेज कर लिया. तो गाइस ये है वो क्यूट सी चीज़, है ना क्यूट सी, क्योंकि ना मैं अपने रूम का मेकओवर करने वाली हूँ. मुझे ये पसंद आया तो मैंने ले लिया. ये मैंने मल्टी कलर में इसलिए लिया क्योंकि अभी मेरे को डिसाइडेड नहीं है कि मैं क्या कलर कराऊंगी अपने रूम में, कैसा मतलब वॉल पे क्या डिज़ाइन रहेगा, वट एवर जो भी है. इसलिए मैंने मल्टी कलर ले लिया क्योंकि ना सबके साथ मतलब जो भी है, हाँ कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्यूट सा है, तो ये मुझे भैया बोल रहे थे 300 का, पर मैंने इसे 150 लगवा के ले लिया. तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है ना ये क्यूट.
सो गाइस अब मैं दिखाती हूँ लास्ट चीज़, ठीक है। तो मैं वहाँ से लेके आई थी पेंडेंट, एक मैंने कैरी भी कर रखा है, ये बटरफ्लाई वाला, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बाकी ये रे, ये डॉल्फिन वाला है क्यूट सा, ये बटरफ्लाई वाला है, ये स्टार वाला है, और ये है फ्लावर वाला, ठीक है। तो गाइस इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। ये मेरे को अंदर जब मैं गई थी मार्केट में थी तो मैंने दो लिए थे जो मुझे 50-50 के पड़े थे, पर जब मैं बाहर गई और मैं मोमोज खा रही थी तो वहाँ पर एक भैया आए और ये वो यही सेम पेंडेंट जो मैंने अंदर देखे थे वो 10-10 रुपये में बेच रहे थे। तो ऐसा हो जाता है, मार्केट के अंदर जाओगे आपको कुछ और प्राइस मिलेगा, बाहर जब आओगे कुछ और प्राइस मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप पूरी मार्केट घूम लो, फिर आपको जहाँ रीजनेबल जो चीज़ लगे तो आप वहाँ से परचेज कर लो। तो यही थी मेरी हॉल वीडियो गाइज। रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, हाँ मेरा इतना एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मेरी आदत है कपड़े ट्राई करके लेने की, तो इसलिए वहाँ पर ट्रायल रूम तो होते नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें भी नहीं ली। कुछ जो मुझे देखते पसंद आ गए कि हाँ ये ठीक है और मेरे को सही आ जाएंगे तो मैंने वो चीज़ें ले ली। हाँ ये है कि आपको ना वहाँ पर ज्वेलरी मिलेगी यार, पर मेरे को ज्वेलरी लेनी थी ना पर मैं ले ही नहीं पाई, पर वहाँ पर जंग ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है। मे बी मैं जंग ज्वेलरी या ज्वेलरी वगैरह के लिए ऐसे जा सकती हूँ, और वहाँ पर फुटवेयर का भी आपको बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे को जल्दी आना था, तो जल्दी जल्दी मुझे मिला, मैंने ले लिया। तो ठीक है, ऐसा ना आप जा सकते हो, बजट फ्रेंडली मार्केट है, तो आप बिल्कुल विजिट करो। तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। टाटा।